दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे टीनेजर की है जो कि अपनी जवानी में एंटर कर रहा है, और जब उसे अपनी जवानी का एहसास होना शुरू होता है तो उसी दौरान उसे टाउन की सबसे खूबसूरत और शादीशुदा औरत मालिना से प्यार हो जाता है, और इसके बाद मालिना का असर उसके ऊपर किस कदर छा जाता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है मालिना। कहता है कि पता नहीं कौन आ रही है जिसका वो सब इंतजार कर रहे हैं। फिर कुछ सेकेंड के बाद उस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत जिसका नाम मालिना है वो सड़क से गुजरती है। मालिना को देखते ही रेनाडो की बॉडी में एक ऊर्जा दौड़ने लगती है और पहली नजर में ही उसे मालिना से प्यार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मालिना चलते हुए आगे चली जाती है तो रेनाडो और उसके सारे दोस्त अपनी साइकिल से मालिना को तब तक फॉलो करते हैं जब तक मालिना उनकी नजर से बहुत दूर नहीं चली जाती। ये सारे लड़के अपने नए नए जवानी के जोश में मदहोश हैं, इसलिए ये लोग अभी लव और लस्ट के बीच का डिफरेंस नहीं जान पा रहे और ऐसी हरकतों से उन्हें मजा आ रहा है। अब मालिना का जादू रेनाडो पर इस कदर छाता है कि वो उसकी एक झलक पाने के लिए हर जगह उसका पीछा करने लगता है। ऐसे ही एक दिन हम देखते हैं कि रेनाडो स्कूल खत्म होने के बाद मालिना के घर के बाहर जाता है और वहाँ सड़क के दूसरी ओर बैठकर वो मालिना को एक बार देखने की कोशिश करता है। फिर मालिना अपने घर का दरवाजा खोलती है और रेनाडो को अपने पास बुलाती है। रेनाडो धीरे धीरे उसके पास आता है और तब मालिना रेनाडो से कहती है कि मेरे लिए प्लीज सिगरेट ला दो। अब पैसे लेने के दौरान रेनाडो मालिना के बहुत करीब होता है जिसे उसके शरीर में 100-100 के स्पीड में करंट दौड़ने लगता है। मगर तभी एक झटके के साथ रेनाडो का सपना इस बात को जानकर भी अनजान कर देता है कि मालिना एक शादीशुदा औरत है जिसका पति सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जंग में गया हुआ है, और इसी का फायदा उठाकर सिर्फ रेनाडो ही नहीं बल्कि टाउन के ज्यादातर मर्द मालिना को पाना चाहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि रात में रेनाडो अपनी खिड़की से बाहर निकलकर मालिना के घर जाता है। मालिना के घर से सटता हुआ एक पेड़ है और उस पेड़ पर चढ़कर रेनाडो खिड़की के एक छेद से मालिना को देखता है। मालिना अपने कुछ पुराने कपड़ों को सिल रही है और इस दौरान उसने एक नाइट ड्रेस पहनी हुई है। कपड़े सिलने के बाद मालिना एक म्यूजिक चलाती है और अपने पति का एक फोटो का अपने गले से लगाकर डांस करने लगती है। इधर रेनाडो मालिना को छोटे कपड़े में देखकर पूरी तरह हवस में चूर है और वो मालिना के बॉडी को बस घूरता ही जा रहा है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रेनाडो मार्केट से वही म्यूजिक कैसेट खरीदता है जो उसने कल रात मालिना के घर सुना था। फिर रात में वो उस म्यूजिक कैसेट को अपने बेड में बजाते हुए बेड पर लेट जाता है और मालिना को इमेजिन करते हुए अपने आप को प्लीज करने लगता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि आज रेनाडो मालिना का छुटके से पीछा करता है। ये वो जानना चाहता था कि मालिना डेली एक फिक्स टाइम पर घर से बाहर निकलकर कहां जाती है। मालिना का पीछा करते वक्त रेनाडो देखता है कि लगभग टाउन के सभी आदमी और बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मालिना पर नजर गड़ा रखी है। हर कोई मालिना को पाना चाहता है। लड़के जितना ही मालिना को पसंद करते हैं लड़कियां उतना ही मालिना से नफरत करती है, और लड़कियों ने मालिना को बच्चलन का दर्जा दिया है क्योंकि कोई भी लड़की ये नहीं चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड या उसका पति किसी गैर औरत को देखे। फिर आगे हम देखते हैं कि पीछा करते करते रेनाडो वहां पहुंच जाता है जहां मालिना रोज आती है, और ये कोई और नहीं बल्कि उसके फादर का घर है जो कि रेनाडो के स्कूल में टीचर भी है। मालिना रोज अपने फादर की देखभाल के लिए वहां आती है क्योंकि वो काफी बूढ़े हो चुके हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि रेनाडो अपने बिस्तर में है और वो मालिना को याद करते हुए अपने एक्साइटमेंट के पीक पर पहुंच चुका है, और उसका ये एक्साइटमेंट का आवाज पूरे घर में गूंजने लगता है, और ये आवाज उसके पिता भी सुन लेते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि अबे ठरकी ऐसा मत कर नहीं तो अंधा हो जाएगा एक दिन। और ये पहली बार था जब रेनाडो के फादर को ये एहसास हुआ कि उनका लड़का बड़ा हो चुका है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल और पब्लिक एक जगह इकट्ठा हुए हैं। ये लोग इकट्ठा होकर टाउन के उन सभी लोगों को याद कर रहे हैं जो रिसेंटली वार में शहीद हुए हैं, और यहाँ पर पता चलता है कि मालिना का हस्बैंड भी शहीद हो चुका है। ये पता लगने के बाद टाउन के वो सभी वर्ग मालिना के ऊपर गंदे नजर डालना शुरू करते हैं जो मालिना को पाना चाहते हैं, मगर लोगों की ये हरकत रेनाडो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो वहां से चला जाता है। अब रेनाडो मालिना के फादर के घर जाता है और दीवार चढ़कर वो घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर वो देखता है कि मालिना बिस्तर पर लेटकर अपने पति को याद करते हुए रो रही है। रेनाडो मालिना के पास जाता है और मालिना के आंसू पोंछकर उसे किस करता है और उसे वादा करता है कि बड़ा होने के बाद वो उसे समाज से प्रोटेक्ट करेगा, मगर इसके लिए उसे कुछ टाइम चाहिए। बट तभी एक झटके के साथ रेनाडो का सपना फिर से टूट जाता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि रेनाडो घर के बाहर खड़ा है और फिर से वो खुली आंख से सपना देख रहा है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रेनाडो मालिना के घर जाता है और वहां वो देखता है कि मालिना ने अपने गीले कपड़ों को बाहर सूखने के लिए डाला है। फिर रेनाडो धीरे से चुपके से मालिना का एक कपड़ा चुराकर वहां से भाग जाता है। रात में रेनाडो मालिना के चुराए हुए कपड़े को अपने बदन में लपेट के उसके ख्याल में खो जाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है क्योंकि अगली सुबह जब उसके डैड उसके रूम में आते हैं तो वो रेनाडो को उस लेडीज अंडरगारमेंट के साथ पकड़ लेते हैं। फिर इसी के साथ ही घर में घमासान शुरू हो जाती है और रेनाडो के मॉम डैड उसे घर में दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। रेनाडो की मॉम उस कपड़े को आग लगा देती है और रेनाडो के डैड उसे कमरे में बंद कर देते हैं क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि लड़का हद से आगे बढ़ रहा है। रेनाडो को कमरे में बंद हुए 3-4 दिन गुजर जाते हैं और वो गुस्से में खाना खाना भी बंद कर देता है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है।
तब घर में डॉक्टर आता है और चेकअप करके बताता है कि रेनाटो को बस खुली हवा चाहिए, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब मजबूरन उसके घर वालों को रेनाटो को फिर से खुला छोड़ना पड़ता है। इसके बाद रात में रेनाटो फिर से मालिना के घर जाता है और उसे पेड़ पर चढ़ के मालिना को देखने लगता है। मगर आज वो देखता है कि मालिना का उस टाउन के गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है। थोड़ा समय बिताने के बाद जब वो ऑफिसर मालिना के घर से जाता है तो बाहर उसे एक आदमी मिल जाता है। ये आदमी भी मालिना का एक आशिक है और वो उस ऑफिसर से लड़ने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मालिना उसे छोड़कर किसी और का हो। अब लड़ाई के दौरान उस आदमी की वाइफ कुछ पुलिस के साथ वहां पहुंच जाती है और पुलिस वाले से कहता है कि आदमी मेरे साथ धोखा कर रहा है। फिर वो औरत मालिना के घर के बाहर भी हंगामा करती है और कहती है कि औरत हमारे पतियों को हमसे छीन रही है। अब ये बात अगले दिन पूरे टाउन में आग की तरह फैल जाती है और मालिना को जेल भेजने की बात होने लगती है। इस केस की वजह से मालिना के फादर भी उसे सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। अब मजबूरन मालिना टाउन के एक बड़े लॉयर के पास जाती है और उसे अपने केस लड़ने के लिए कहती है। लॉयर भी मालिना के जिस्म का भूखा है, इसलिए वो केस लड़ने के लिए हाँ कह देता है और उसे जितवा भी देता है। केस जीतने के बाद लॉयर मालिना के घर जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। डांस के दौरान मालिना को लॉयर के नियर पता चल जाते हैं और वो रूम में भागने की कोशिश करती है, मगर लॉयर उसे पकड़ लेता है और वो मालिना के साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद मालिना और लॉयर रेगुलरली मिलने लगते हैं। मालिना ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वार में फैली भुखमरी में उसे सर्वाइव करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत होती है और वो लॉयर उसकी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा कर सकता है। अब कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक चलता है, मगर एक दिन लॉयर अपनी माँ से मिलने जाता है और उसकी माँ अपनी बेटे और मालिना के बीच के अफेयर्स के बारे में अच्छी तरह से जानती है, जिसके चलते उसकी माँ अपने बेटे को खूब मारती है और कहती है कि तुमने अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। अब इस बदनामी के चलते लॉयर मालिना से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है और यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि अब मालिना से उसका मन भर चुका है। फिर आगे हम देखते हैं कि मालिना को सर्वाइव करने और भुखमरी से बचने के लिए कुछ और लोगों से भी संबंध बनाने पड़ते हैं। और तब मालिना ये बात समझ जाती है कि समाज को उससे बस एक ही चीज चाहिए और वो है उसका जिस्म। फिर एक रात मालिना अपने बालों को काटती है और एक फ्रेश लुक अपना लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मालिना अपने नए लुक के साथ टाउन में जाती है और टाउन के सभी लड़कों को मालिना का ये रूप मदहोश बना देता है। और दूसरी तरफ लड़कियां मालिना को देखकर जलती है। मालिना एक जगह आदमियों के झुंड में जाकर बैठ जाती है और अपने लिए सिगरेट निकालती है। सिगरेट निकालते ही आसपास बैठे सभी आदमी अपना अपना लाइटर जलाकर मालिना के आगे रख देते हैं। अब यहाँ मालिना को ये रियलाइज होता है कि जब वो इज्जत से रहना चाहती थी तब उसको कोई नहीं पूछता था, मगर जब उसने अपने जिस्म को नीलाम करना चाहा तो उसके पास सैकड़ों ऑफर आ गए। रेनाटो डोर से खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और मालिना का ये रूप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और रेनाटो रोज रात में मालिना को देखने के लिए उसके घर जाता है और वो देखता है कि अब नए नए लोग मालिना के पास खाना लेकर आते हैं और बदले में वो मालिना का जिस्म का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह कुछ और दिन बीतते हैं और मालिना टाउन में बहुत पॉपुलर हो जाती है। दूसरी तरफ रेनाटो मालिना को याद कर करके पागल होने लगता है और इसी कारण वो एक दिन बेहोश हो जाता है। उसकी माँ उसे चर्च ले जाती है और कहती है कि मेरे बेटे पर किसी आत्मा का बुरा साया है, प्लीज इसे ठीक कर दो। मगर रेनाटो का बाप सब जानता है कि उसे क्या चाहिए। फिर अगले दिन रेनाटो का बाप उसे एक वेश्यालय ले जाता है और उसे एंजॉय करने की आज़ादी देता है, जिससे रेनाटो कुछ ही टाइम में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अलाइड फोर्स ने जंग जीत ली है और टाउन में सभी लोग जंग खत्म होने पर जश्न मना रहे हैं। मगर यहाँ टाउन की कुछ औरतें प्लान बनाते हैं कि उन वेश्याओं को घर से बाहर निकालो और उन्हें भी सबक सिखाओ। फिर प्लानिंग के बाद सभी औरतें वेश्यालय में घुसती है और सभी वेश्याओं को बालों से घसीट कर बाहर लाती है। वो औरतें सड़क पर ही उनके कपड़े फाड़ देते हैं और उन्हें घसीट घसीट कर मारती है। मालिना सभी औरतों का पहला टारगेट होती है, इसलिए वो मालिना को बहुत बुरी तरह मारती है और उसके बालों को काट देती है। रेनाटो और वहां मौजूद कोई भी आदमी उसे बचाने नहीं आता, उल्टा औरतों का ये रूप देखकर सारे आदमियों का फटी पड़ी है। और इस हादसे के बाद मालिना टाउन को छोड़कर चली जाती है और रेनाटो बस उसे दूर से ही देखता रह जाता है। मगर जंग खत्म होने के कुछ दिन बाद टाउन में एक आदमी आता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मालिना का हस्बैंड था। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में लड़ाई के दौरान वो कहीं खो गया था और उसके ना मिलने पर मिलिट्री वालों ने उसे शहीद घोषित कर दिया। जंग के दौरान मालिना के हस्बैंड ने अपना एक हाथ खो दिया होता है और जब वो अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसका घर अभी रिफ्यूजी कैंप बन चुका है। फिर मालिना का हस्बैंड टाउन में अपनी वाइफ के बारे में पता करता है और तब उसे पता चलता है कि उसके गैर मौजूदगी में उसके वाइफ के साथ क्या क्या हुआ है। और ये सब जानने के बाद उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि जिन लोगों के लिए वो जंग में लड़ने गया था उन्होंने ही उसकी वाइफ का शोषण किया है। और रेनाटो मालिना का हस्बैंड को बताना चाहता था कि मालिना कहाँ गई है, मगर वो उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। फिर एक रात वो एक लेटर में अपनी सारी बातें लिखकर मालिना के हस्बैंड के स्लीपिंग बेड पर छोड़ देता है। और जब उसका हस्बैंड उसका लेटर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ बस उसी के लिए लॉयल थी, मगर जंग की हालत ने उसे एक वेश्या बना दिया। लेटर में यह भी लिख रहा होता है कि लास्ट टाइम मालिना ने मसीना सिटी की एक ट्रेन पकड़ी थी और तब से वो वापस नहीं लौटी है।
अब ये सब जानने के बाद मारीना का हस्बैंड अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए उस सिटी में चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि टाउन में सब कुछ नॉर्मल है और साथ ही बहुत चहल पहल भी है। फिर कुछ देर बाद सभी लोगों की नज़र एक जोड़े पर टिक जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि मारीना और उसका हस्बैंड है। मारीना का हस्बैंड मारीना को ढूंढ कर वापस टाउन में लाता है और बहुत ही इज्जत से उसे टाउन में लेकर घूमता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए। फिर एक सुबह हम देखते हैं कि मारीना अकेले बाजार में सब्जी खरीदने जाती है और बाजार में वो उसी औरतें से मिलती है जिन्होंने कभी उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। यहाँ वो औरतें मारीना को गुड मॉर्निंग कहती है और उसे इज्जत से पेश आते हैं, जिसे सुनकर मारीना थोड़ा सा रुकती है। फिर वो भी गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देती है और इसी तरह मारीना सब कुछ नॉर्मल करने के लिए एक पहल भी करती है। अब खरीदारी करने के बाद जब मारीना घर जा रही होती है तब उसके बैग में से कुछ फूल नीचे गिर जाते हैं और तब वही खड़ा रेनाटो जल्दी से आता है और फूलों को इकट्ठा करके मारीना के बैग में रखने लगता है। फिर जब मारीना अपनी बैग उठाकर घर जाने लगती है तब रेनाटो हिम्मत जुटाकर पीछे से कहता है, गुड लक मारीना। मारीना पीछे मुड़ती है और स्माइल करते हुए इशारों में थैंक्स कहती है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म।